बेनकाब हो रहे हैं गरीबों की लाश पर राजनीति करने वाले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांगरमऊ विधानसभा उपचुनाव की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए कहा, कानून ऐसे लोगों के साथ बेहद सख्ती से पेश आएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने कहा, हमारी विचारधारा और नेतृत्व से विपक्ष की कोई तुलना नहीं। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है, मैं पूजा वर्मा। गरीब और गरीबों की लाश पर राजनीति करने वाले कभी गरीबों के हितैषी नहीं हो सकते। दरअसल इन लोगों ने आजादी के बाद से गरीबों का कभी भला चाहा ही नहीं। इनके लिए गरीब सिर्फ वोट बैंक रहा है और गरीबी उन्मूलन नारा आज भी इनकी मानसिकता जस की तस है। लिहाजा गरीबों की लाश पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। सरकार एक एक को पहचान कर उनसे कानून के अनुसार बेहद सख्ती से पेश आएगी। यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। वह बुधवार को यहां अपने सरकारी आवास पर बंगरमऊ उन्नाव विधानसभा उपचुनाव के लिए आयोजित बूथ सेक्टर और मंडल के पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सोच बिना भेदभाव के पूरी पारदर्शिता से सबकी तरक्की, सुरक्षा और सुशासन की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई और मार्गदर्शन में लगातार हम यह कर रहे हैं। पिछले 6 सालों में देश और करीब 3.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र, बुनियादी संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी, निवेश आदि में अभूतपूर्व विकास हुआ है। इस अमूल चूल बदलाव से उत्तर प्रदेश के बारे में बाकी देश का नजरिया बदला है। हमारे लिए राजनीति सेवा है, विपक्ष के लिए दुकानदारी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है और राजनीति सेवा का जरिया, विपक्ष के लिए राजनीति दुकानदारी है। अपनी दुकान चलाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। सीए के विरोध से लेकर हाल ही की कुछ घटनाएं इसका सबूत है। वह हर चीज को जाति, संप्रदाय, मजहब और क्षेत्र के चश्मे से देखती है। समाज को बांटकर अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए ये कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं, पर इनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। चंद्रशेखर आजाद और निराला को भी किया याद। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नाव की धरती का पौराणिक महत्व है। चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जैसे महान रचनाकार की यह जन्मभूमि है। माँ गंगा का सानिध्य गौरव की बात है। ऐसे महान लोगों की धरती का होना और उनसे जुड़ना खुद में गौरव की बात है। संयोग से कुछ दिन पहले उन्नाव दौरे के दौरान आप में से कईयों से मेरी निजी मुलाकात भी हुई थी। कोरोना के कारण बदले हालात में खुद को बचाते हुए बूथों को केंद्र बनाकर सघन जनसंपर्क करें, आपकी जीत तय है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि विकास में बाधक ताकतों को बेनकाब करें। आप जिस विचारधारा से हैं, आप जिस नेतृत्व से प्रेरणा और मार्गदर्शन पाते हैं, उसकी विपक्ष से कोई तुलना नहीं है। आपकी ताकत और एकजुटता के नाते आपकी जीत सुनिश्चित है। कार्यक्रम के शुरू में क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्र ने स्वागत किया। कार्यक्रम में सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह, प्रांतीय मंत्री शंकरलाल लोधी, सांसद साक्षी महाराज, एमएलसी अरुण पाठक और जिलाध्यक्ष राजकिशोर रावत समेत बूथ सेक्टर अपर मंडल के पदाधिकारी भी मौजूद थे। और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री और विधानसभा बागरमऊ के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद स्वामी साक्षी जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री शेष नारायण मिश्रा जी, संगठन मंत्री श्रीमान प्रद्युमन जी, जिला के अध्यक्ष, प्रदेश के मंत्री श्री शंकरलाल लोधी जी, क्षेत्र के प्रभारी पदाधिकारी श्री राजीव मिश्रा जी, श्रीकांत जी, जिलाध्यक्ष श्री राजकिशोर रावत जी, हमारे सभी लोकप्रिय विधायकगण श्री पंकज गुप्ता जी, अनिल सिंह जी, ब्रजेश रावत जी, बंबालाल दिवाकर जी, विधान परिषद के सदस्य श्री अरुण पाठक जी,
जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती संगीता सेंगर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंडलों के अध्यक्षगण, सेक्टर के प्रभारीगण, बूथ के अध्यक्षगण और उपस्थित सभी बूथ, सेक्टर, मंडल और विधानसभा से जुड़े हुए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभी 28 सितंबर को मैं स्वयं भी बागरमऊ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर गया था और तब भी आप सबके साथ वहां पर भौतिक उपस्थिति के माध्यम से संवाद करने का एक अवसर मुझे प्रभारी मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक और जिले के पदाधिकारियों ने दिया था। मुझे आज प्रसन्नता है कि आज ये वर्चुअल संवाद का एक अवसर आप सबसे करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। कोविड-19 के खतरे से बचाव करते हुए हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का काम कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी कितनी उपयोगी हो सकती है, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 वर्ष पहले डिजिटल इंडिया की घोषणा के साथ जो विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की थी उनके माध्यम से हम सबको जो राह दिखाई थी, आज उसका प्रभाव हमारे सामने है। आप याद करिए, जब जीवन में टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है इसके बारे में प्रधानमंत्री जी कहते थे और पिछले 6-6.5 महीने से पूरा देश और पूरी दुनिया कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से जूझ रही है। उन स्थितियों में तकनीक का उपयोग करते हुए न केवल संवाद के लिए बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए भी कितना बड़ा कार्य हुआ है आप सबने महसूस किया होगा। चाहे वह गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य हो, चाहे वह 8 करोड़ लोगों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन के साथ ही सिलेंडर भी उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो, चाहे वह देश के अंदर हरेक कोविड पॉजिटिव पेशेंट को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम रहा हो या फिर आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के अन्य विभिन्न तबकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उनके आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करने का कार्यक्रम हो, ये बखूबी देश के अंदर हुआ है। आप सब जानते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम प्रदेश के अंदर 50 लाख से अधिक जो डेली कमाने वाले लोग हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, ठेला, रेड़ी, खोमचा लगाने वाले निर्माण श्रमिक हैं, पल्लेदार हैं, कुली हैं, इन सभी को भरण पोषण भत्ता नहीं दे पाते। इनके अकाउंट खोले गए थे जनधन योजना में, इनकी सूची जैसे ही मंगाई एक क्लिक करके इनके अकाउंट में पैसा पहुंच गया। 87 लाख वृद्धजन, निराश्रित महिलाएं यानी विधवा महिलाएं, दिव्यांगजन, इन सबके अकाउंट में एडवांस में धनराशि उपलब्ध कराई गई।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत इन्हें एक एक हजार रुपए की राशि अतिरिक्त दी गई, लेकिन ये पैसा डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में गया। वो जमाना गया जब इस देश के एक प्रधान पूर्व प्रधानमंत्री इस बात की लाचारगी व्यक्त करते थे कि 100 रुपया भेजता हूं लेकिन गरीब तक केवल 10 ही रुपया पहुंचता है, ये 90 रुपया एक दल विशेष के लोग हजम कर जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर 100 रुपये भेजने का कार्य कर रहे हैं तो पैसा गरीब के खाते में जा रहा है। यह है टेक्नोलॉजी का महत्व। 2 करोड़ किसानों के खाते में अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर समय से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का धनराशि उपलब्ध हुई। 18 करोड़ गरीबों को पिछले 6 महीने से अधिक समय से 13वीं-14वीं बार निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है। ये सभी कार्यक्रम तकनीक के माध्यम से तो उनके जीवन में व्यापक सुधार करने का अभियान तो है ही, लेकिन 6 वर्षों के दौरान भी अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के उनके जीवन में खुशहाली लाने का कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो या शहरी, सौभाग्य योजना हो, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत की योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, जीवन ज्योति योजना है, जीवन सुरक्षा बीमा योजना है, ये जितनी भी योजनाएं हैं ये सबके जीवन में व्यापक खुशहाली लाने का एक आधार बन रही और बनी है। यानी हमने जाति मात मजहब को आधार नहीं बनाया, हमारा तो आधार था, हमारा तो मंत्र था सबका साथ सबका विकास का। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक संकल्प 2013 में देश की जनता के लिए लिया था कि हम विकास सबका करेंगे, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। विकास की योजनाएं, लोक कल्याणकारी योजनाएं सबके घर तक पहुंचाएंगे, न जाति न मत न क्षेत्र न भाषा, विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। सबका साथ सबके विकास की भावना चरितार्थ होती है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 3 वर्ष के दौरान 30 लाख से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास मिले, 2 करोड़ 61 लाख से अधिक परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध हुआ, 1 करोड़ 24 लाख से अधिक परिवारों को निशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध हुए, 46 लाख से अधिक परिवारों को निशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, 87 लाख वृद्धजनों को, निराश्रित महिलाओं को, दिव्यांगजनों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य हुआ, और 18 करोड़ लोगों को नेशनल पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत राशन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने की बृहत कार्य योजना को आगे बढ़ाया गया। देश के अंदर 50 करोड़ गरीब आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए हर वर्ष निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले सकते हैं। ये केवल घोषणाएं नहीं थी, ये केवल वायदे नहीं थे, वायदे होते रहे देश के अंदर, 1947 से वायदे चलते थे, वायदे पर वायदे, हर वर्ष वायदे, नारे लगते थे, लेकिन इन गरीबों के बारे में वास्तविक कार्य 2014 के बाद से प्रारंभ होते हुए गए और ये आज सबके सामने देखने को मिल रहा है। हमने वायदा नहीं किया, हमने कायदे से उसका जो हक बनता था उस हक को उस तक पहुंचाने का कार्य किया है, और यही भारतीय जनता पार्टी को अन्य दलों से अलग करती है। भाइयों बहनों, जहां पर इतनी बृहद कार्य योजना विकास की बन रही हो, लोक कल्याण की बन रही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नई रेलवे लाइन बिछ रही है, नए
हाईवे बन रहे हैं, नए स्टेट हाईवे बन रहे हैं, नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। यह वर्ष तो हमारे लिए बड़ा सौभाग्यशाली है, 592 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हो गया है और अयोध्या में हम एक आधुनिक एयरपोर्ट का निर्माण भी भगवान श्री राम के नाम पर करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जो हमने पिछले 3 वर्ष के अंदर किया उसका लाभ हमें इस कोरोना कालखंड में भी मिला। याद करिए 1947 से लेकर के 2017 तक प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे, लेकिन 2017 से 2020 के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज प्रदेश में 2 एम्स, 29 नए मेडिकल कॉलेज, 6 पुराने मेडिकल कॉलेज में 220 बेड के नए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना। इस कोरोना कालखंड में जो सबसे अच्छी एम्बुलेंस आई थी वो लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है। ये 250 ऐसी एम्बुलेंसेस प्रदेश के हर जनपद में कहीं 3 कहीं 4 उपलब्ध कराने में हमें सफलता प्राप्त हुई। ये काम 1947 के बाद भी हो सकता था, लेकिन ये वायदों पर, झूठे नारों पर, जाति, क्षेत्र, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने वाले लोग आज भी अपनी विभाजनकारी उस मानसिकता से बाज नहीं आ रहे हैं। आज भी वह पीढ़ी दर पीढ़ी विभाजन की मानसिकता उनके मनोमस्तिष्क पर उसी रूप में हावी हो रही है, इसलिए वे विकास उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये डेवलपमेंट उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये लोक कल्याण उनको अच्छा नहीं लग रहा है, गरीब के पास पहुंचने वाली शासन की योजनाएं उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। और यही कारण है कि वे खड्यंत्र पे खड्यंत्र रस्ते जा रहे हैं, रोज नए खड्यंत्र को जन्म देना। आप सुन रहे होंगे इन सभी नमूनों के एक एक वक्तव्य, एक एक कृत्य जनता के सामने साफ गोई के साथ सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है फलानी जगह हम दंगा कराएंगे जाति के आधार पर, कुछ लोग उधर से मरेंगे, कुछ लोग इधर से मरेंगे, हमारे नेता आएंगे उसके बाद जाकर के राजनीति करेंगे। यानी एक गरीब की लाश पर राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानिए तो देश के लिए और समाज के लिए कितनी विकृत सोच के साथ ये काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी साजिश कर रहे हैं। जहां सरकार विकास कर रही हो, केंद्र सरकार लोक कल्याण के कार्य के साथ लगी हुई हो, कोविड-19 से जूझते हुए भी पूरी मजबूती के साथ एक एक कार्य जनता जनार्दन को समर्पित कर रही हो, वहां पर ये लोग खड्यंत्र कर रहे हो। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में इनमें से एक भी चेहरा जनता के बीच में नहीं था, गरीब के बीच में नहीं था। ये सब चेहरे लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में अपनी जान बचाने के लिए मुंह छुपाए बैठे थे, लेकिन खड्यंत्र करने के लिए जैसे ही अनलॉक की कार्रवाई हुई इनके खड्यंत्र प्रारंभ हो गए और उनके खड्यंत्रों के माध्यम से गरीब के योजना, गरीब के लिए आने वाली योजना के को कैसे चट करना है, जब उसमें इनको अवसर नहीं मिला तो उन्होंने अपने खड्यंत्र गजाल का विस्तार ऐसे कर दिया कि गरीब के जीवन के साथ ही खिलवाड़ करना प्रारंभ कर दिया और एक लगातार चल रहा है। लेकिन याद रखना उत्तर प्रदेश और देश आज जिस स्थिति में है, सबको सुरक्षा और सबको सम्मान देने के अभियान को हम मजबूती के साथ आगे लेकर के चलेंगे, किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे, किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। सभी खड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे जो लोग समाज के माहौल को खराब करके, समाज में जातीय विद्वेष पैदा करके, अराजकता पैदा करके, विश्वमन करके विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। ये विकास अवरुद्ध नहीं होगा। अब उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, पिछले 3 आजादी के बाद से प्रदेश में केवल 2 एक्सप्रेस वे बन पाई थी, 3 वर्ष में 3 नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट पर काम कर रहे थे, आज 7 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं और प्रदेश के अंदर 12 नए एयरपोर्ट पर कार्य हमारा प्रारंभ हुआ है।
यह है प्रगति का मानक। एक लोग डेवलपमेंट पर कोई चर्चा नहीं कर सकते, इन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता है, इन लोगों का गरीबों का उत्थान और गरीबों का कल्याण अच्छा नहीं लगता है, किसानों के हित के लिए की जाने वाली योजनाएं इन्हें अच्छी नहीं लगती हैं, इसीलिए तो इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए तो जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी एमएसपी की घोषणा करते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का 2 गुना दाम किसान को मिले इसकी योजना बनाते हैं, इस सब के सब लोग किसानों को भड़काने के लिए सड़कों पर आकर के कुतर्क देकर के षड्यंत्र करते हुए दिखाई देते हैं। याद करिए, लोकसभा चुनाव के पहले भी इन्होंने इसी प्रकार के षड्यंत्र किए थे, तब राफेल के नाम पर इन्होंने देश की जनता के सामने झूठ बोला था, और अंततः आपने देखा होगा वही राफेल आज जब भारत के अंदर आता है, भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनता है, तो देश के दुश्मनों के दांत खट्टे होते हुए दिखाई देते हैं। यानी भारत एक समृद्ध भारत बने, भारत एक सुरक्षित भारत बने, यही तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है, और यही कारण है कि लोग देश के खिलाफ षड्यंत्र करने में, गरीब के साथ षड्यंत्र करने में, किसान के साथ षड्यंत्र करने में कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। हमने बार बार कहा है कि कृषि संबंधी जो विधेयक अभी संसद में पास हुए हैं, ये सभी विधेयक किसानों की पूरी सुरक्षा करने की गारंटी देते हैं। वन नेशन वन मार्केट की तर्ज पर किसान को अपनी उपज देश के अंदर कहीं भी बेचने की पूरी स्वतंत्रता देते हैं, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गारंटी देते हैं। लेकिन गलतफहमी पैदा करके ये लोग किस प्रकार का आडंबर करते हैं, किस प्रकार का पाखंड करते हैं, ये आपने विगत कुछ दिनों में इनके द्वारा किए जाने वाले, इनके द्वारा प्रायोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देखा होगा। हम सबको इसके प्रति सचेत रहकर के कार्य करना होगा, और इसीलिए आज बागर मऊ के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाते हुए मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। उन्नाव जनपद का अपना इतिहास है, पौराणिक इतिहास है, मां गंगा का सानिध्य जनपद को प्राप्त हुआ है, यह अपने आप में गौरवशाली स्थिति है, और गंगा की अविरलता और निर्मलता को आजादी के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे के माध्यम से देश और दुनिया के सामने तो किस रूप में प्रस्तुत किया है। 2019 में प्रयागराज कुंभ की सफलता ने उसको सबके सामने प्रस्तुत किया। देश की स्वाधीनता की लड़ाई में जनपद उन्नाव का अपना योगदान रहा, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की भूमि होने के नाते साहित्य के क्षेत्र में अनेक लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार इस धरती ने दिए। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भूमि है, मुझे पिछली बार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी के साथ जब उन्नाव के दौरे पर आने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब हम लोगों ने निराला जी के नाम पर वहां पर एक स्मारक और भव्य पुस्तकालय निर्माण का शुभारंभ किया था। अनेक साहित्यकारों का, अनेक क्रांतिकारियों की धरती है, तो वही स्थिति हमारे लिए बागर मऊ विधानसभा से भी जुड़ा हुआ है। बागर मऊ विधानसभा में पिछले दिनों आया था, जब हमने संविधान सभा के माननीय सदस्य रहे लोकसभा के पहले सांसद महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित विशंबरनाथ त्रिपाठी जी के नाम पर उनको स्मरण किया था। उन्होंने इसी विधानसभा क्षेत्र में जन्म लिया, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने वहां के पौराणिक शिव मंदिर का निर्माण किया, ठाकुर जसा सिंह जी इसी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी थी और भारत की आन मान शान के प्रतीक तिरंगा को लहराने का कार्य किया था, गुलाब सिंह लोधी जी, इनका जन्म भी इसी क्षेत्र में हुआ, और साथ ही साथ एक महान परंपरा को आगे बढ़ाने वाली धरती आज इस बागर मऊ विधानसभा क्षेत्र के साथ फिर से मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हम उपचुनाव में गए हैं, ये विधानसभा का सामान्य निर्वाचन नहीं, उपचुनाव है, और उपचुनाव
इसका कोविड कालखंड में उपचुनाव होगा, ये प्रदेश का पहला चुनाव होगा कोरोना के बाद। अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है,